हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आई थिंक 3-4 दिन बाद ब्लॉग बनाने लगी हूँ, तो एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिलता और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती, इसीलिए मुझसे रोज़ व्लॉग नहीं बनता। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ व्लॉग बना सकूँ, क्योंकि अपना थोड़ी सर्दी भी कम हो रही है और फिर बंदा व्लॉग बना ही लेता है। आज मैं आप लोगों को वो एक आई थिंक मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि आप ना अपना वलीमे का ड्रेस दिखाएं, तो उनका नाम मैंने उनका स्क्रीनशॉट लिया था। वो कह रही थी कि जब आप करेंगी तो आपने मेरा नाम ज़रूर लेना है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो कौन है। तो आई थिंक मैंने उनका स्क्रीनशॉट लिया था, तो मेरा ख्याल है उनका नाम ये था, ये गुडा खान या पता नहीं गुदा खान, मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं करना आ रहा इनका क्या नाम है, बट ये है इनका नाम। और इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अपना वलीमे का ड्रेस दिखाएं और मेरा नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि मैंने फरमाइश की है। तो मैंने कहा वाई नॉट, क्यों नहीं। तो ये है इनका नाम। अब ये गुडा खान है, गुदा खान है, आई डोंट नो। तो अब ये मैं पता नहीं क्या नाम सही बोल रही हूँ या नहीं, बट एनीवेज इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी और मैं इनकी रिक्वेस्ट पर आपको अपने वलीमे का ड्रेस दिखाऊंगी। तो चले, वो एज़ यूजुअल दूसरे वाले रूम में पड़ा हुआ है, क्योंकि ये वाले रूम में मेरे कपड़े पहनने वाले हैं और जो शादी वगैरह के कपड़े हैं वो दूसरे में हैं। इंशाल्लाह मैं आपको एक दिन अपने मेहंदी का भी और अपना एक और फंक्शन था मेरा उसका भी ड्रेस दिखाऊंगी, और अपना वो जो मैंने ब्राइडल शावर किया था उसका भी ड्रेस दिखाऊंगी। तो चलिए मैं अब आपको वलीमे का ड्रेस हम लेने जाते हैं। कहाँ पे है? वहाँ पे पड़ा हुआ है। ठंडे बहुत है यार, ज़रा मैं दरवाज़ा बंद कर लूँ। अब मैं इधर से आप लोगों को अपना ड्रेस दिखाती हूँ। ये लटका पड़ा है, ये है मेरा वलीमे का ड्रेस। और ये हम लोग जब गए थे तो मैंने ये मैंने विंटर कलेक्शन भी मैं अपनी दिखाऊंगी, लेकिन ना ये विंटर कलेक्शन मेरी ना दूसरे रूम के कबर्ड में पड़ी हुई है, तो अब थोड़ी सी सर्दी थोड़ी कम होती ना वो फिर दिखाऊंगी। ये मैंने ली थी जब मैं अपने हस्बैंड के साथ गए थे हम लोग वो देखने के लिए, गाड़ी बुकिंग करवाने के लिए। देन मैंने फिर इधर लटका दिया अपने हस्बैंड की अलमारी में। तो चले लेट्स सी, मैं आपको अपने वलीमे का ड्रेस दिखाती हूँ। और ये भी उस वक्त कैसे कैसे ही पड़ा हुआ है। लेट्स गो। मैं आप लोग अब ये ड्रेस खोल कर दिखाती हूँ। आई थिंक इसको मैंने एक बार ही पहना, मतलब कि अपने बिल्डिंग पर नहीं पहना था, उसके बाद नहीं पहना। और इसका वो जो कवर था ना बैग, इसका वो गुम हो गया था, तो फिर इसको हमने दूसरे बैग में ना बंद कर दिया था। तो बस फिर उसको मैं अब वो बेचारा वैसे का वैसे ही लटका पड़ा। इसका मैं अभी निकाल के आप लोगों को दिखाती हूँ। एक्चुअली ये मुझे ग्रीन कलर का है, ग्रीन है, पता नहीं कौन सा ग्रीन है, बट ये ग्रीन कलर का है। और ये भी बहुत प्यारा है, ये देखें। ये वैसे प्रेस होने वाला क्योंकि ओ गॉड, ये सारा सिलवटें पड़ गई हैं इसके ऊपर ना। ये मैक्सी थी बेसिकली, ये इस तरह है, ये इधर तक है और ये नीचे से इस तरह है। मैं इसको आपको फैला के दिखाती हूँ। ये देखिए इसके स्लीव्स थे, ये इसकी शर्ट है, आई मीन शर्ट नहीं, ये मैक्सी है पूरी ना फुल। तो ये इसका नीचे से, इसको मैं कैसे दिखाऊं, इसके नीचे भी कैन कैन लगी हुई है ना, तो वो सारी हार्ड रहती है। फिर ये इस तरह,
इसका बॉर्डर इस तरह है, ये है और इस तरह, और इसके ये आगे से ओपन है लेकिन नीचे उसके वो लाइनिंग लगी हुई है ना उसकी, और नीचे इसका ट्राउज़र है और ये है सारा ड्रेस। ये देखें, इसके साथ बेसिकली सिल्वर कलर की ज्वेलरी थी और सिल्वर कलर की ही चूड़ियाँ थी क्योंकि इसमें सिल्वर काम था, और इसके साथ जो जूता था वो भी सिल्वर कलर का ही था, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये सारा ये है वलीमे का ड्रेस, प्यारा है ना ये भी, जिस तरह का मेरा शादी का ड्रेस है ये भी काफ़ी प्यारा है। और इसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ दुपट्टा, ये इसकी इसका ट्राउज़र था ये इसके साथ, और ये इसका ट्राउज़र है। और इसका दुपट्टा कहाँ पे है, आई थिंक इसका दुपट्टा ना उधर ही रह गया इसका दुपट्टा मैं लेके आती हूँ, आई थिंक वो इसके अंदर आ नहीं था रहा और उसको ना फिर हम लोगों ने दूसरे शॉपर में डाल के रख दिया था, मेरे ख्याल जिस तरह मेरा शादी का पड़ा हुआ है दुपट्टा। अब उसको देखूँ मैं कहाँ पर है, ये ढूंढना पड़ेगा मुझे क्योंकि यहाँ पर तो काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ओ ये पड़ा हुआ है, ये मेरी सारी शादी की चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये दुपट्टा उसका, ये बारात की चीज़ें। दुपट्टा अगर उसमें हैंग नहीं होता ना तो फिर उसको साइड पे ही रख देते हैं। मुझे यही था कि उसके साथ लगा होगा लेकिन उसके साथ नहीं लगा हुआ ना, बट एनीवेज ये इसका दुपट्टा है, इसका दुपट्टा भी सेम इसी कलर का, उसके ऊपर काम हुआ हुआ है। ये है इसका दुपट्टा, इसका भी एज यूजुअल जो एक साइड का बॉर्डर है वो थोड़ा बड़ा और जो दूसरे साइड का वो थोड़ा छोटा है, इस तरह ये दुपट्टा है और ये इसका छोटे वाला बॉर्डर है और ये इसका बड़े वाला, ये सारा दुपट्टा इस तरह। ये मैंने लिया था इस तरह ये इस तरह था, ये मेरा फ्रॉक ड्रेस है ये पूरा। और इसके साथ कि मैं आपको ज्वेलरी दिखाता हूँ, आजकल मैं ये व्लॉग्स बहुत देखती हूँ, ये चाइनीज़ हैं तो इतने मज़े के खाने बनाते हैं लेकिन ये हलाल नहीं होता, लेकिन ये बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और इसके मैं ना अक्सर देखती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इसके व्लॉग जो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके साथ जो इसकी ज्वेलरी थी, एक तो इसको एक हाथ से खोलने में बहुत मसला होता है, खुलता ही नहीं है जल्दी ना, एक मिनट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसके साथ ये इसका क्लच था और ये भी आई थिंक स्टाइलो से ही लिया था, और उसके साथ जो ज्वेलरी थी वो भी स्टाइलो की थी। ये क्लच बहुत प्यारा है, देखिए कितना खूबसूरत है, इसको मैंने ऐसे ही हाथ में पकड़ा था लेकिन इसके साथ वो था हैंडल भी था इसका, तो उसको इसको मैंने निकाल कर ये अंदर ही है उसके, तो मैंने इसको फिर पकड़ा था उसके साथ। ये है, ये बहुत प्यारा, ये देखें इस तरह इसका इस था ना हैंडल, तो उससे मैंने पकड़ा था, ये कितना प्यारा है ना, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। और इसके सारे जो ज्वेलरी थी वो ये है, ये इसका नेकलेस था, ये इसका नेकलेस है और ये भी कितना प्यारा, ये इसकी बिंदिया है और ये इसके इयररिंग्स हैं, कितना प्यारा है ना छोटा सा, ये डायमंड स्टाइल का लगता है मुझे लेकिन ये भी स्टाइलों से लिया था, ये भी बहुत प्यारा, ये देखें इसको मैं पीछे करके दिखाती हूँ पूरा, ये भी बहुत प्यारा है, ये इस तरह, ये है इसका नेकलेस, ये इसके इयररिंग्स हैं, ये
ये इसके इयररिंग्स हैं और इसकी बिंदिया भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसकी बिंदिया बहुत छोटी सी प्यारी सी है, ये है, ये इसकी बिंदिया है और ये इसके इयररिंग्स हैं। और इसके साथ जो चूड़ियाँ हैं वो भी उसके अंदर पड़ी हैं, मुझे फिर दोबारा से निकालनी पड़ेंगी। वो भी सिल्वर कलर की हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जो इसकी चूड़ियाँ हैं वो ये हैं, ये चूड़ियाँ भी इसके साथ, ये सिल्वर थी और दोनों हाथों में थी। नहीं, मेरा ख्याल एक हाथ में मैंने ये चूड़ियाँ पहनी थी और एक हाथ में मैंने वो पहना था, बैंगल्स पहने थे, कंगन पहने थे। और इसके साथ जो जूता था वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वो मेरा ख्याल मेट्रो से लिया था, ये जूता पहना था मैंने इसके साथ। ये इसका जूता है, ये अब ये पूरा सेट बनता है। ये इसका जूता, ये मेरा पूरा ड्रेस है और इसका वो दुपट्टा है और ये इसका क्लच हाथ में पकड़ने वाला और वो चूड़ियाँ हैं और सेट और ये जूता। ये पूरा मेरा सेट था बलीमी का, मतलब कि पूरा मेरा था, उसको क्या कहते हैं, कंट्रास और ये सारी चीज़ें थी। कंट्रास्ट तो वैसे इसमें कोई नहीं है, सिल्वर और ये इसमें आपको आई थिंक स्काई ब्लू लग रहा है, लेकिन ये बेसिकली है स्काई ब्लू था, लेकिन जिसने ये लाइनिंग लगवाई है ना उसने इसको इसमें ना टर्कोइज कलर की लगा दिया है। लाइक जो टर्कोइज कलर होता है ना, ग्रीन ग्रीनिश टर्कोइज कलर, वो तो अगर इसमें स्काई ब्लू लगता है, इसमें देखिए स्काई ब्लू लग रहा है आपको, लेकिन रियल में ये टर्कोइज कलर है। तो उसने लाइनिंग जो है ना वो लगा दी थी ज़्यादा डार्क, इवन कि अगर इस पर लाइट लगाता तो बहुत और प्यारा लगता, लेकिन ये भी प्यारा है, इतना बुरा तो नहीं है, बहुत प्यारा लग रहा है मुझे तो। ये देखें, इसको पहले मैंने शादी वाले दिन देखा था, मतलब पहना था, और आज मैं ये दोबारा देख रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है, नॉट बैड। ये पूरा सेट है, पूरी मैक्सी है, इसकी बैक साइड आई थिंक खाली थी, मतलब छोटे छोटे ये फ्लावर्स बने हुए हैं। और ये इसकी पूरी मैक्सी है और ये आगे से ओपन है। आई होप आप लोगों को ये मेरा ड्रेस अच्छा लगेगा, और अच्छा है, प्यारा है, बहुत प्यारा है। और आई होप आप लोगों को ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। इसी तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे व्यूज़ और बढ़ें। और आप लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मुझे लिटरली बहुत खुशी होती है। तो इसी तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊँ, और इंशाल्लाह पूरी मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको मेहंदी का भी ड्रेस दिखाऊँ। और एक मेरा और फंक्शन हुआ था, वो मैंने दुबई से सूट लिया था, वो भी बहुत प्यारा, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी इंशाल्लाह। आप लोगों को सारे ड्रेसेस मेरे बहुत अच्छे लगेंगे, तो आई होप आप लोग अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करें ताकि मुझे अच्छा लगे और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ। Till then, okay, take care, bye bye, love is, take care, bye bye.